गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और इस लॉकडाउन के पीरियड में अपनी प्रिपरेशन घर पर बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं राहुल पटेल एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल RKCI अकेडमी दमोह पर। जैसा कि आपको पता है कि मैं यहां आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब प्रिपरेशन कराते रहता हूं, और यहां पर हमारा जो चैनल है वो आपको किसी भी टेट एग्जाम हो गया, जैसे आपका रीट हो गया, सी टेट हो गया, DSSSB हो गया, UP टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, जितने भी टेट एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं सभी की यहाँ पे प्रिपरेशन आपको बेहतरीन ढंग से कराई जाती है। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ SST का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे सौरमंडल के प्रमुख ग्रहों के बारे में। और सबसे बड़ी बात कि आज मैं यहाँ आपको कुछ बनाए हुए क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो मैंने आपके लास्ट ईयर के PBCS क्वेश्चन से और क्वेश्चन पेपर से निकाले हुए हैं, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे और स्पेशली आपका जो रीट हो गया और DSSSB हो गया इसमें जरूर हेल्पफुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस इंपॉर्टेंट सेशन को। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो बात करते हैं आपके पहले क्वेश्चन के बारे में। जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि सौरमंडल के कितने ग्रह हैं, तो सौरमंडल कितने ग्रह होते हैं? 8। दूसरी बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में, सूर्य के चारों घूमने वाले पिंडों को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के चारों जो पिंड घूमते हैं उनको ग्रह कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं थोड़ी और आगे कि किसी ग्रह के चारों घूमने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? तो किसी ग्रह के चारों जो पिंड घूमते हैं उनको उपग्रह के नाम से जाना जाता है। इसके बाद थोड़ी सी और आगे चलते हैं, तो जैसा कि इसमें आपको शो हो रहा है कि ग्रहों की गति का पता किसने लगाया? तो ग्रहों की जो गति का पता लगा था वो आपके केपलर ने लगाया था। इसके बाद बात करते हैं कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो आपको जो अंतरिक्ष है उसमें आपके 89 तारामंडल हैं। ओके, इसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं, जैसा कि इसमें आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन था? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो आपका बृहस्पति है। कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिण भारत में घूमते हैं? तो दक्षिण भारत में जो आपके ग्रह घूमते हैं वो आपके शुक्र और अरुण हो गए, है ना। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट ओलंपिया जो कोलंबस पर्वत वो किस ग्रह पर स्थित है? तो वो आपका जो मंगल है, मंगल ग्रह पर स्थित है, है ना। इसके बाद थोड़ी सी और आगे चलते हैं, तो जैसा कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाता है? ब्रह्मांड में जो विस्फोटित तारा होता है उसको अभिनव तारा के नाम से जाना जाता है। सौरमंडल की खोज किसने की थी? जो सौरमंडल की खोज कापर निकस ने की थी, है ना। इसके बाद थोड़ी सी और आगे चलते हैं, सूर्य कौन सी गैस का गोला है? सूर्य में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं? तो सूर्य जो है उसमें आपकी स्पेशली हाइड्रोजन और हीलियम गैस से वो बना होता है। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के जो मध्य भाग होता है उसको प्रकाश मंडल के नाम से जाना जाता है, है ना। इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं, सूर्य से ग्रह की दूरी क्या कहलाती है? तो सूर्य से जो ग्रह की दूरी होती है वो सौर कहलाती है। इसके बाद थोड़ी सी और आगे चलते हैं, सूर्य के धरातल का जो तापमान है वो लगभग कितना होता है? तो सूर्य के धरातल का जो तापमान होता है वो आपका 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। ओके, इसके बाद बात करते हैं कि मध्य रात्रि का जो सूर्य होता है वो किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो वो आपका आर्थिक क्षेत्र में दिखाई देता है। ओके, इसके बाद थोड़ी सी और आगे चलते हैं कि कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट ग्रह है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है और आपका जो टेट एग्जाम हुआ था सुपर टेट में एक दो बार पूछा गया है। तो आपका जो सूर्य का सबसे पास ग्रह है वो कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह। बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो जो बुध ग्रह है वो सूर्य का चक्कर लगाने में 88 दिन का टाइम लेता है। ओके, इसके बाद बात करते हैं कि सूर्य के सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे दूर का जो ग्रह है वो आपका क्या है? वरुण है, है ना। इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं, जैसे कि आपको इसमें बताया गया है कि ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनके ऊपर ग्रह नहीं है? तो ऐसे केवल दो ग्रह हैं जिनके ऊपर ग्रह नहीं है, वो आपके बुध और शुक्र हैं, है ना। इसके बाद कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में कम समय लेता है? तो बुध सूर्य का चक्कर लगाने में कम समय लेता है। और एक कॉमन सेंस की बात है ऑब्वियसली, क्योंकि जो ग्रह सूर्य के पास में होगा वो सूर्य का चक्कर लगाने में थोड़ा कम टाइम लेगा, है ना। इसके बाद अब मैं जो ये क्वेश्चन आपको शेयर करने जा रहा हूँ, 3 क्वेश्चन है, मोस्ट IMP क्वेश्चन है, हमेशा आपके एग्जाम में पूछे गए हैं कि किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है? तो वो आपका क्या हो गया? शुक्र हो गया। किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? आपका शुक्र हो गया। और किस ग्रह पर जीवन पाया जाता है? वो आपका क्या हो गया? पृथ्वी हो गया, है ना। इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन कि पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का जो उपग्रह है वो आपका क्या है? चंद्रमा है। तो आज हमने इसमें डिस्कस किया मोस्ट 30 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में, जो आपके सभी टेट एग्जाम में पूछे गए हैं, जो आपके DSSSB रीट एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होंगे। तो आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया हो। यदि आपको ये सेशन पसंद आया हो तो इस सेशन को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, इसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे।
तो मिलते हैं आने वाली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।